हेलो गाइस, तो मैं बताऊँ जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी सऊदी अरेबिया पे, उस वीडियो पे जो आप लोग का इतना सारा प्यार मिला, लगभग 15,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वीडियो को देखे और कई लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए कि भाई आपने जितने भी जॉब बताए जो कि आप 10th और 12th के बाद सऊदी अरेबिया में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आपने उस वीडियो में जो वॉचमैन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि सऊदी अरेबिया में एज अ वॉचमैन आप 10th और 12th के बाद ये काम आराम से आपको किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल्स में, सुपर मार्केट में ये काम आपको आराम से मिल जाता है, तो आप ये बताओ इस पर सैलरी कितनी मिलती है, इसको हमको करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ इसके लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मिनिमम अगर आप 10th पास भी हो फिर भी ये काम आराम से कर सकते हो, बट इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ रिक्वायरमेंट है वो मैं पहले शेयर कर देता हूँ, फिर आप ये जॉब आराम से कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो ही आप काम कर पाओगे और बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सैलरी कितनी मिलती है वो भी बता दूंगा। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूँ जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है, अगर आपको जॉब पसंद ना आए, कोई और जॉब भी करना हो आपको, तो मैं सऊदी अरेबिया वाला जो 10th और 12th पास वाली वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके इस वीडियो को देखने के बाद वो भी देख लेना। ठीक है, रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ। देखो, पहला इसमें आपको जरूरत पड़ता है 10th और 12th पास की क्वालिफिकेशन। ठीक है, सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, थर्ड है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने बनवा ही लिया होगा। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट कोरोना के बाद थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है तो मेडिकल पर काफी ध्यान दिया जा रहा है अभी के टाइम पर। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना। देखो गाइस, आपके आइडेंटिटी प्रूफ में आप अगर इंडिया से हो तो आधार कार्ड हो जाता है, पैन कार्ड हो जाता है, पासपोर्ट हो जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ते हैं और कुछ खास चीज़ें नहीं लगती हैं। ठीक है, देखो आपका एक पुलिस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जिसके जिस पे ये होता है कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो, ये भी चीज़ें, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी कॉपी। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ते हैं। देखो देखो, जो वॉचमैन का बेसिकली काम होता है वो होटल, रेस्टोरेंट में और शॉपिंग मॉल्स में, सुपर मार्केट्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो 8 आवर से लेकर 12 आवर तक शिफ्ट होता है। इसमें क्या होता है, आप लोगों को खाने की फैसिलिटीज़ मिल जाती है अधिकतर जगहों पे और आपको रहने का भी मिल जाता है, तो आपकी सैलरी पूरी बच जाती है। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको लगभग 1800 से लेकर के 2500 SAR तक मिल जाता है, सऊदी अरेबिया रियाल तक, तो आप इतना तक आराम से अर्न कर सकते हो। तो बाय बाय, वेस्ट ऑफ लोग, कोई डाउट हो कमेंट करो और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो।